हेलो फ्रेंड्स, मुझे यकीन है आप सभी ने बचपन में एक कार्टून जरूर देखा होगा। तो चलिए आज इन्हीं पर बेस्ड मूवी को देखते हैं। तो ये मूवी एक ऐसे वर्ल्ड से स्टार्ट होती है जहां इंसान और कार्टून आपस में मिलकर रहते हैं और उन्हें एक दूसरे के साथ रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यही हम अपने पहले कैरेक्टर डेल से मिलते हैं, जिसका स्कूल में पहला दिन है। वो क्लास को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन बच्चे उसकी अजीब सी हरकतें देखकर डर जाते हैं और इसी वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता। लंच में उसकी मुलाकात चिप से होती है, जो डेल को अकेला देखकर उसे बात करने आता है और जल्दी ही उन दोनों के बीच गहरी दोस्ती हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत इंजॉय करते हैं और यहाँ तक कि स्कूल के टैलेंट शो में भी उनकी जोड़ी की बहुत तारीफ होती है। वो जानते हैं कि उनके अंदर कुछ तो स्पेशल है और इसीलिए किस्मत आजमाने वो दोनों हॉलीवुड में जाते हैं। काफी सारे ऑडिशंस और एड ब्रेक्स करने के बाद एक दिन फाइनली उन्हें अपना खुद का शो मिल जाता है, जिसका नाम है चिप एंड डेल रेस्क्यू रेंजर्स। इसमें उनके साथ कुछ और भी करेक्टर्स हैं, जैसे चीज लवर मॉन्ट्री जैक, एक इन्वेंटर माइस गैजेट और एक फ्लाई जिपर। जल्दी ही इनका ये शो सुपर हिट हो जाता है और वो 90s के सबसे फेमस कार्टून्स बन जाते हैं। लेकिन डेल को हमेशा लगता था कि चिप का करेक्टर उससे कहीं ज्यादा सुपीरियर है। फिर एक दिन वो चिप को अपने नए शो के बारे में बताता है, जिसमें वो एक सुपर स्पाई बना है और ये देखकर चिप को बहुत हैरानी होती है। वो उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि इसका असर हमारे पहले शो पर भी पड़ेगा, लेकिन डेल उसकी एक नहीं सुनता और इस नए शो के लिए साइन कर लेता है। थोड़े दिनों बाद रेस्क्यू रेंजर शो कैंसिल हो जाता है और डेल का नया शो भी ज्यादा दिन नहीं चल पाता और इससे वो सब अलग अलग हो जाते हैं। आगे का सीन 30 साल बाद का है, जहां डेल CGI सर्जरी के बाद अब 3D रूप में आ चुका है और उसका ज्यादातर टाइम हॉलीवुड की फैन पार्टीज में बीतता है। यहां उसके जैसे और भी कई कार्टून्स हैं, जैसे सोनिक, टाइग्रा और लूमियर, और वो सब भी काम ना मिलने की वजह से बहुत परेशान हैं। टाइग्रा उसे एक बार फिर चिप को साथ लाने को बोलती है और डेल भी ये सुनकर सोच में पड़ जाता है। उधर चिप अब एक सक्सेसफुल इंश्योरेंस एजेंट बन चुका है और सिटी में अपनी डॉग मिली के साथ रहता है। यही टीवी पर उसे एक कार्टून के गायब होने की खबर मिलती है, लेकिन वो इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। तभी उसे मॉन्ट्री का एक मैसेज मिलता है, जो किसी मुसीबत में फंस गया है, और वो उससे मिलने उसके अपार्टमेंट में जाता है। वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और चिप देखता है कि उसने अभी भी उनका पुराना परफ्यूम लगाना नहीं छोड़ा है। फिर मॉन्ट्री उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है कि कैसे उसके चीज के ऑब्सेशन ने उसे वैली गैंग का कर्जदार बना दिया है और अब वो पैसों के लिए उसके पीछे लगे हुए हैं। इसी तरह वो पुराने कार्टून्स को फंसा कर उन्हें किडनैप कर लेते हैं और फिर उनका रूप बदल कर उनसे इलीगल मूवीज में काम कराते हैं, जिसे बूटलेगिंग भी बोला जाता है। उसे लगता है कि शायद वो भी उनके चंगुल में फंसने वाला है, लेकिन डेल उसे रिलैक्स रहने को कहता है। तभी वो देखता है कि फ्रिज में अभी भी उस चीज का टुकड़ा रखा हुआ है और वो उसे उठाकर नीचे कूड़े में फेंक देता है। आगे मॉन्ट्री उसे गैजेट और जिपर के बारे में बताता है, जिन्होंने आपस में शादी कर ली है, और ये देखकर वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगते हैं। तभी उनसे मिलने डेल वहाँ आता है, जिसे मॉन्ट्री ने बुलाया था, और चिप उसे यहाँ देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता। डेल उसे एक बार फिर अपना शो दोबारा शुरू करने को कहता है, लेकिन चिप उसकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। शाम को उसे डेल का फोन आता है और पता चलता है कि मॉन्ट्री को वैली गैंग वालों ने किडनैप कर लिया है। वहाँ उन्हें पुलिस कैप्टन पुटी मिलता है, जो उन्हें बताता है कि वैली गैंग का लीडर स्वीट पिट नाम का कार्टून है और वो इतना शातिर है कि पुलिस भी आज तक उसे कभी नहीं पकड़ पाई। चिप और डेल उसे अपने फर्ज की याद दिलाते हैं, लेकिन पुटी उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता। यही वो ऑफिसर एली को देखते हैं, जिसे कैप्टन पुटी बिल्कुल पसंद नहीं करता और हमेशा उसके काम में नुक्स निकालता रहता है। एली चिप एंड डेल को बताती है कि वो बचपन में उनके शो को बहुत पसंद करती थी और वही देखकर उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन की। फिर वो उन्हें बूटलेगिंग प्रोसेस के बारे में बताती है, जिसे कंप्लीट होने में 48 घंटे का वक्त लगता है और पुलिस इसमें उनकी ज्यादा मदद नहीं कर पाएगी। वो उन्हें ये काम खुद ही करने को कहती है और इसके लिए उन्हें पीट की बूटलेगिंग फैसिलिटी को ढूंढना होगा। डेल को ये बिल्कुल अपने शो की तरह लगता है, जहां वो भी ऐसे ही केसेस सॉल्व करते थे, लेकिन चिप कहता है कि इस काम में बहुत खतरा है और वो तो ये भी नहीं जानते कि आखिर उन्हें कहां से शुरू करना चाहिए। तभी उसे डस्टबिन से मॉन्ट्री की चीज की खुशबू आती है और वो देखता है कि उस पर एक शॉप का एड्रेस लिखा हुआ है। वो दोनों शॉप को चेक करने उसके एड्रेस पर जाते हैं और देखते हैं कि वो जगह कार्टून से भरी हुई है। चिप को ये जगह बहुत ही सुंदर लगती है, लेकिन डेल बताता है कि ये सब तो बस ऊपरी दिखावा है और इसकी आड़ में यहाँ बड़े बड़े क्राइम्स होते हैं।
फिर जल्दी ही वो उस शॉप पर पहुंच जाते हैं और चिप उस आदमी से स्ट्रिंग चीज के बारे में पूछता है। ये सुनकर वो आदमी चौंक जाता है और एक सीक्रेट रास्ते से उन्हें फैक्ट्री में ले आता है जहां बहुत सारे लोग इस चीज का नशा कर रहे हैं। यहाँ चिप उससे अपने दोस्त मॉन्ट्री के बारे में पूछता है और उन्हें पुलिस वाला समझकर वो आदमी उन्हें गुस्से में बाहर निकालने लगता है। तब डेल उसे बताता है कि हम लोग पुलिस नहीं बल्कि एक्टर्स हैं और एक फेमस जो रेस्क्यू रेंजर में काम करते थे। वो आदमी ये सुनकर रुक जाता है और कहता है कि फिर तो तुम्हें मेरे बॉस पीट से मिलना चाहिए। फिर वो उन्हें पकड़कर वैली स्ट्रीट पर लाता है जहाँ की रिक्स का एनिमेशन कुछ अजीब सा है और वहाँ बॉब नाम का एक बोना उन्हें पीट से मिलवाने ले जाता है। वहाँ वो एक टॉय फैक्ट्री को देखते हैं जो असल में पीट का लीगल ट्रेड है और उन्हें लगता है कि मॉन्ट्री भी शायद यहीं कहीं कैद है। फैक्ट्री से होते हुए वो एक कैबिन में आते हैं और देखते हैं कि पीट असल में एक फेमस कार्टून पीटर पैन है जो पहले से बड़ा और मोटा हो चुका है। पीट जिमी से उनके हाथ खोलने को कहता है और डेल नोटिस करता है कि पीट ने भी उसके जैसा ट्रैकर पहना हुआ है। फिर वो उसे मॉन्ट्री को आजाद करने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन पीट कहता है कि इसके लिए तुम्हें थोड़ा स्ट्रगल करना होगा, ठीक वैसे ही जैसे कि उसने किया है। वो बताता है कि बचपन में उसे भी एक बहुत बड़ी मूवी मिली थी, एक ऐसे लड़के के रूप में जो कभी बड़ा नहीं होता था। वो अपनी कामयाबी से बहुत खुश था, लेकिन धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा और इंडस्ट्री ने बिना कुछ सोचे उसे बाहर निकाल दिया। इससे उसका दिल पूरी तरह टूट गया और खुद को दोबारा स्टैंड करने के लिए उसने दूसरी मूवीज का डुप्लीकेट बनाना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसका ये प्लान कामयाब हो गया और उसने ऐसी ही दूसरी ढेर सारी मूवीज बना डाली। फिर वो उन दोनों के साथ भी ऐसा ही करने को कहता है, लेकिन इससे पहले कि जिमी उन्हें पकड़ पाए वो टॉयलेट के रास्ते वहाँ से भाग निकलते हैं। उन्हें लगता है कि उनका प्लान फेल हो गया है क्योंकि वो अभी भी उस फैक्ट्री की लोकेशन के बारे में कुछ नहीं जानते। तभी चिप को एक आइडिया आता है कि अगर पीट का ट्रैकर उनके हाथ लग जाए तो वो उन्हें फैक्ट्री तक पहुंचा सकता है और इसके लिए वो मदद मांगने एली के पास जाते हैं। एली उन्हें बताती है कि पीट अक्सर एक रशियन बाथ हाउस में जाता है और वहाँ वो उसके ट्रैकर को चुरा सकते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें कुछ टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तब डेल उन्हें अपनी सीक्रेट लैब दिखाता है जिसमें उनके शोज के कुछ पुराने प्रॉप्स हैं और ये देखकर चिप को बहुत हैरानी होती है क्योंकि उसे लगता था कि डेल को इस शो की बिल्कुल परवाह नहीं है। फिर वो प्लम्बर के रूप में उस बाथ हाउस में जाते हैं जहां एली बाहर से उन्हें टेक्टिकल सपोर्ट देती है और वहां अंदर उन्हें पीट और उसका ट्रैकर दिखाई देता है। आगे उनका सामना एक डीजे स्नेक से होता है जो रेस्क्यू रेंजर्स का पुराना फैन है, लेकिन वो उसे उलझा कर उस ट्रैकर को हासिल कर लेते हैं। एली ट्रैकर से फैक्ट्री की लोकेशन का पता कर लेती है और पुटी और बाकी यूनिट्स को वहाँ रेड डालने को बोलती है। वहाँ उन्हें कोई नजर नहीं आता, लेकिन एली देखती है कि एक लैब में कार्टून्स की बहुत सारी ड्राइंग्स हैं। यही उन्हें कार्टून्स को चेंज करने वाली मशीन भी दिखाई देती है जिसे डेल गलती से ऑन कर देता है और वो दोनों उसमें फंस जाते हैं। एली उन्हें बचाने की सोचती है, लेकिन देखती है कि मशीन उन्हें सर्जिकली रीएडिट करने वाली है। अंदर वो लोग लेजर से किसी तरह खुद को बचा लेते हैं, लेकिन देखते हैं कि चिप का एक कान बदल गया है। फिर जल्दी ही वो मशीन से बाहर आ जाते हैं और वहाँ उनकी नजर कार्टून्स के बॉडी पार्ट्स पर पड़ती है जिसमें मॉन्ट्री की मूछे भी हैं। इधर पीट भी उन लोगों को देख लेता है और उन्हें ट्रैक करने के लिए डेल के सोशल मीडिया को यूज करता है। आगे हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं जहाँ पुराने टाइम को लेकर उनमें बहस होने लगती है। तभी डेल को वहाँ मॉन्ट्री के परफ्यूम की स्मेल आती है और वो देखते हैं कि रूम में एली और पुटी मौजूद हैं। उन्हें लगता है कि इनमें से जरूर कोई पीट के साथ मिला हुआ है और कुछ सोचकर वो मदद मांगने सोनिक के पास आते हैं जो फिलहाल एफबीआई के साथ एक शो कर रहा है। पीट भी उन्हें ट्रैक करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन लूमियर और टाइग्रा भागने में उनकी मदद करते हैं। आगे पार्किंग में उनका सामना जिमी से होता है जिसने चिप को एक बैग में कैद कर लिया है और ये देखकर डेल परेशान हो जाता है। इधर पुटी एली को अपने साथ चलने को कहता है और बताता है कि चिप एंड डेल की जान खतरे में है। वो लोग एंड टाइम पर पीट की फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, लेकिन पता चलता है कि पुटी असल में पीट के लिए काम कर रहा है और इसीलिए वो एली को इस केस से दूर रखना चाहता था। फिर वो एली से डेल को एक फोन कराते हैं ताकि उसे भी यहाँ बुला सके, लेकिन आने से पहले एली उसे रेस्क्यू रेंजर के एक पुराने एपिसोड के बारे में बताती है। डेल देखता है कि ये एपिसोड असल में एक कोड वर्ड की तरह था और वो समझ जाता है कि एली और चिप की जान खतरे में है। तभी उसे गैजेट और जीपर का ध्यान आता है और वो उन्हें सारी बात बताकर अपनी मदद करने को बोलता है। उधर पीट फिर से चिप को उस मशीन में डाल देता है और एली की रिक्वेस्ट करने पर भी पुटी उनकी कोई मदद नहीं करता।
इधर डेल और उसके दोस्त रेंजर प्लेन का यूज करते हैं और वो एक रॉकेट लेकर फैक्ट्री की ओर निकल जाता है। उसका रॉकेट सीधा उस मशीन से टकराता है और इससे पहले कि लेजर चिप को नुकसान पहुंचा पाए वो मशीन बंद हो जाती है। फिर वो एली और चिप को वहाँ से आजाद कराता है लेकिन देखता है कि पीट ने चिप को फिर से पकड़ लिया है। वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन पीट कहता है कि तुम्हारी ये चिकनी चुपड़ी बातें मुझे नहीं रोक सकती। अचानक वो मशीन चीजों को अपने अंदर खींचने लगती है और टेम्परेचर बढ़ने से उसमें ब्लास्ट हो जाता है। वो सब लोग एक दूसरे को चेक करने लगते हैं और तभी मशीन जिमी को एक फेरी में बदल देती है। फिर वो अगला निशाना पीट को बनाती है जिससे वो कार्टून्स के एक मिक्स मॉन्स्टर में बदल जाता है। पुटी ये देखकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है और एली उसे रोकने उसके पीछे जाती है। वहाँ हम उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट देखते हैं लेकिन एली नाइट्रोजन यूज करके उसे फ्रीज कर देती है और इससे वो टूटकर बिखर जाता है। इधर चिप एंड डेल पीट से बचकर भागने लगते हैं और देखते हैं कि वो अपनी मूवीज की शूटिंग फैक्ट्री में ही करता है। वो दोनों किसी तरह बचते हुए बाहर पोर्ट तक आते हैं और वहाँ उन्हें क्रेन से लटकता एक वेट दिखाई देता है। वो किसी तरह पीट को उसके नीचे ले आते हैं और इससे पहले कि वो उन्हें शूट कर पाए वहाँ FBI को लेकर सोनिका जाता है। इससे पीट का ध्यान भटक जाता है और मौके का फायदा उठाकर डेल क्रेन के स्विच को दबा देता है। पीट उस वेट के नीचे दब जाता है और FBI वहां आकर उसे अरेस्ट करने लगती है। अचानक वो खुद को छुड़ाकर उन पर फायर कर देता है और चिप को बचाने के लिए डेल एंड टाइम पर बीच में आ जाता है। चिप को ये देखकर बहुत दुख होता है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करता है। यहाँ वो उसे अपनी असली फीलिंग के बारे में बताता है कि कैसे स्कूल में वो भी खुद को बहुत अकेला फील करता था और डेल से ज्यादा उसे उसकी जरूरत थी। वो अब तक नाराज रहने के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझे तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। ये सुनकर डेल की भी आंख खुल जाती है और वो भी चिप को दोबारा पाकर बहुत खुश होता है। तभी उन्हें मॉन्ट्री के परफ्यूम की स्मेल आती है और पता चलता है कि वो बाकी कार्टून्स के साथ एक कंटेनर में बंद था। मॉन्ट्री खुद को बचाने के लिए उनका थैंक्स बोलता है और तभी गैजेट और जिपर भी वहाँ आ जाते हैं। इधर रैली कैप्टन कुटी को FBI के हवाले कर देती है और रेस्क्यू रेंजर्स को बताती है कि वो अपनी एक नई डिटेक्टिव एजेंसी खोलने वाली है। एंड सीन में वो सब अपने अगले शो की प्लानिंग करते हैं और इसी के साथ हमारी ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो प्लीज हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।